हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और इस वक्त के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पत्रकार संजय पांडे, विकास कुमार और विशाल कुमार पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के बैनर तले आक्रोश मार्च निकाला गया। यूनियन के महासचिव प्रेम कुमार के नेतृत्व में फ्रेजर रोड स्थित रेडियो स्टेशन से डाक बंगला चौराहे तक हुए आक्रोश मार्च में बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए। मार्च के दौरान पत्रकारों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की। इस अवसर पर बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के महासचिव प्रेम कुमार ने कहा कि अब तक हाईटेक हॉस्पिटल के कर्मचारियों और प्रबंधकों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, इससे पत्रकारों में आक्रोश है। पर हमला हुआ है हाईटेक हॉस्पिटल के प्रबंधक और वहाँ के काउंसिलों ने तीन पत्रकारों को बुरी तरह से पीटा है, जिसमें हमारे संजय पांडे, विशाल कुमार और विकास कुमार घायल है। अभी तक पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारा मांग है कि दोषियों को जल्द से जल्द कार्रवाई हो। क्या लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर है इसमें? अभी तक जो पुलिस की गतिविधि से ऐसा लगता है कि उन पर पॉलिटिकल प्रेशर है। जो हॉस्पिटल है वो एक राजनीतिक दल के लोग से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस भी उन पर कार्रवाई करने से पीछे हट रही है। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन और हमारे जितने भी सदस्य हैं, सभी हमारे जो घायल पत्रकार हैं उनके पक्ष में खड़े हैं। डीजीपी को ज्ञापन दीजिएगा, कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, आईजी और डीजीपी से भी बात हुई है, उन लोगों भी बोला कार्रवाई होगा, मगर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। एक सप्ताह बीत गया, अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। आगे की रणनीति अगर पुलिस की यही धुलमुल नीति रही तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। अच्छा, केस में भी फंसा दिया गया है पत्रकार? हाँ, हमारे जो पीड़ित पत्रकार हैं जिनको पीटा गया, जिन पर जानलेवा हमला किया गया, उन पर भी झूठा केस करवा दिया गया। हम लोग भी मांग करते, यूनियन मांग करती है, बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन मांग करती है कि उन पर से झूठे केस को जल्द से जल्द वापस ले और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। जिस तरह से लगातार पत्रकारों को टारगेट करके उन पर हमला किया जा रहा है और हाल ही के दिनों में हाईटेक हॉस्पिटल में पत्रकार को बंधक बनाकर बुरी तरीके से पीटा गया, इसी मामले में आज पत्रकार यूनियन जो है श्रमजीवी यूनियन के अध्यक्ष आज आक्रोश मार्च निकाले हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला है हॉस्पिटल? देखिए, हाईटेक हॉस्पिटल जो सगना मोड़ के पास है, हाईटेक हॉस्पिटल के प्रबंधक वहाँ के काउंसिलों ने तीन पत्रकारों को बुरी तरह पीटा है, उन पर जानलेवा हमला किया है। संजय पांडे अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती, उनका इलाज चल रहा है। लूटपाट का आरोप लगा और अभी तक पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं की है। एक सप्ताह बीत गया है, पुलिस सुस्त होकर बैठी हुई है। कहीं ना कहीं से उन पर सत्ता पक्ष का दबाव है, इसलिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल प्रेशर है? भाजपा नेत्री का हॉस्पिटल है ये, तो क्या लगता है कि हाँ, पॉलिटिकल प्रेशर है पुलिस पर? पुलिस पर पूरी तरह से राजनीतिक दबाव है, पॉलिटिकल प्रेशर है, इसी कारण पुलिस जो है मुख दर्शन बनी हुई है। एक चोर उचक्का को पकड़ने के लिए पुलिस तुरंत सक्रिय हो जाती है, मगर पत्रकारों पर जानलेवा हमला हुआ है, उसके दोषियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया।
बिहार संरक्षण पत्रकार यूनियन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करती है। बिहार सरकार और पुलिस से हम मांग करते हैं कि जो दोषी है जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है उनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। हमारे देश का चौथा स्तंभ लगातार टारगेट किया जाता है, तो उसमें कुछ कानून की सुरक्षा बनाने की भी पहल। हाँ, हम लोग सरकार से मांग की है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए, इस कानून के तहत सारे पत्रकारों को लाया जाए, उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाए, सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए। अच्छा, जिन अपराधियों को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है अभी तक, और फिर अगर गिरफ्तार आगे भी नहीं होगी कोई कार्रवाई, तो अभी आगे क्या कार्रवाई आप लोग की तरफ? देखिए, पुलिस को हम लोग 24 घंटे का समय देते हैं, अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक हम लोग सरकार को हिला कर रख देंगे। तो निश्चित ये रूप से ये कहना है कि पत्रकार यूनियन ने 24 घंटे का अल्टीमेटम प्रशासन को दिया है, अगर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। कैमरामैन राजकुमार के साथ रंजित विशाल, बिहार न्यूज़, पटना। राजधानी पटना के इको पार्क के पास दो दिनों पूर्व एक युवक को वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक का नाम चंदन रजक था। वहीं इस हादसे के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर रोड जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। मेरे पति को कैसे सब मार दिया, कैसे मारा, एक्सीडेंट पर सो रात को यहीं पर कर भाग गया। हमको फोन आया सचिवालय थाना से कि परसों रात के है, हमको फोन 9 बजे रात को आया, तुम्हारे पति को इको पार्क के पास एक्सीडेंट हो गया है, हम सचिवालय थाना से बोल रहे हैं। क्षेत्र के निवासी हैं और इनका परसों एक्सीडेंट हो गया था रोड से जाने के क्रम में, तो इनका फर्दबयान भी हुआ है और फिर इसमें प्राथमिकी दर्ज करके विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। ये लोग क्योंकि ये गरीब परिवार के हैं तो इन्हें परिवार की सुरक्षा के लिए और आगे के भविष्य परिवार के भविष्य के लिए कुछ मुआवजा की मांग कर रहे हैं, तो जो इसके लिए सक्षम पदाधिकारी हैं उन्हें मैंने अवगत कराया है। परिजनों का आरोप है कि इनकी हत्या करके लाश फेंक दिया गया। अभी जो फर्द बयान है उसमें एक्सीडेंट की बातें हैं और ये जो भी बातें ये कह रहे हैं उस बिंदु पे भी हम लोग जांच करेंगे और जो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच करके जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कराएंगे। राजधानी पटना में बढ़ते क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए पटना के SSP काफी गंभीर है। वहीं क्राइम की घटना को नियंत्रण रखने के लिए पटना के 5 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। पटना के SSP गरिमा मलिक ने सख्त एक्शन लेते हुए उनका तबादला कर लिया है। वहीं पटना में 4 थानों को नया थानेदार मिला है। दीघा थाना की कमान सुनील कुमार को सौंपी गई है, जबकि बाईपास थाना का जिम्मा जयकिशोर कुमार को। वहीं गांधी मैदान थाना के कमान सुनील कुमार सिंह और नौबतपुर थाना की जिम्मेवारी ओम प्रकाश को सौंपी गई है। पटना के कदमकुआं इलाके में चोरों ने सूने पड़े मकान से लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल कदमकुआं क्षेत्र के प्रेम गली में चोरों ने मकान का ताला तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि मकान मालिक किसी काम से हैदराबाद गए थे, घर को सूना पाकर ही चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। कदमकुआं थाना प्रभारी के मुताबिक लूट की निश्चित राशि का पता मकान मालिक के आने पर ही चल पाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घुसता है तो वो कोना भी नहीं छोड़ता है। बोले तो कि मेरे यहाँ चोरी हुआ ना तो सो नहीं होगा। पटना पुलिस में आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहती है, लेकिन जिस प्रकार से राजधानी में लूट और चोरी की घटना बढ़ती जा रही है, वहीं पुलिसिया कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठता हुआ दिख रहा है। बता दें, पाटलिपुत्रा थाना अंतर्गत न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी विवेकानंद पार्क के समीप हाईकोर्ट के अधिवक्ता कुमार मनीष के घर रात्रि 2:30 बजे चोरों ने बड़ी आसानी से घटना को अंजाम दिया। चोर घर की खिड़की को तोड़ कैश आभूषण सहित सारा सामान लेकर फरार हो गए। वहीं इस घटना के बाद पुलिस पेट्रोलिंग पे सवाल उठता दिख रहा है। चांदी सोना जो भी था ये। चार कंपनी कैश ले गया।
ये रात को उनको लगता है 3 बजे के करीब कुछ आवाज़ आया था, तो भैया चिल्लाए, वो उनको लगा कि कुछ खटपट हो रहा है, तो वो बाहर उस साइड गए ड्राइंग रूम के साइड से खिड़की से देखे तो एक आदमी को जाते हुए देखे अंदर, तो उसके ऊपर चिल्लाए तो वो भागा बाहर। तब तक हम लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, हम लोगों को लगा शायद बाहर कहीं कुछ इधर उधर से कुछ छोटा उठाया। थोड़ी देर में हम लोग बोले देख के आते हैं कि एक आदमी था दो आदमी था, तो बाहर आए तो देखे कि खिड़की टूटा हुआ है, और फिर हम लोग अंदर आके देख रहे हैं कि ये सारा बाहर से दिख गया था कि खिड़की टूटा है और साड़ी का पर्दा टेप से। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपना दमखम दिखाने में लगे हैं, वहीं कोई भी पार्टी अपने दमखम दिखाने से पीछे नहीं हटती। अपने इसी तेवर के साथ कांग्रेस आगामी 3 फरवरी को बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है। इसी खबर का जायजा लिया हमारे संवाददाता रंजीत विशाल ने, पेश है एक रिपोर्ट। बिहार में कांग्रेस की जन आकांक्षा रैली होने जा रही है। 3 फरवरी को ये जन आकांक्षा रैली पटना के गांधी मैदान में होने जा रही है, और बिहार के पावन धरती से कई राजनीतिक पार्टियों ने आंदोलन की शुरुआत की थी, और आज कांग्रेस अपनी सत्ता पाने की लालसा से आज फिर एक बार बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 फरवरी को रैली कर रही है। वैसे तो बिहार कई आंदोलन का गवाह बन चुकी है, लेकिन आज कांग्रेस की जो ये सत्ता पाने की लालसा से पूरी राजधानी जो पोस्टरों से पटी हुई है उसका ये गवाह का कारण है। कैमरामैन राजकुमार के साथ रंजीत विशाल, बिहार न्यूज़ पटना। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें यानी दिव्या सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।